सब खत्म हो गया, सब कुछ। हमने क्या सोचा था, हाँ वहाँ जाकर उन लोगों को उनका, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना। वेट, आप जा रहे थे ना, आप ला रहे थे ना वो फाइल, क्या हुआ? आपने गलत फाइल कैसे उठा ली, आप बताइए जल्दी। ये जो भी हुआ ना, ये सिर्फ आपके वजह से हुआ जिम भैया, पता है आपको? आपने आपके लापरवाही की वजह से हुआ ये सब। शांत हो जाओ जिमिन, तुम्हें पता है ना जिम कितनी टेंशन में है, और तुम उसे उल्टा बोल रहे हो। हाँ मैं किसी को उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ। जियो भाई, अब आप ही बोलिए कि क्या मैं गलत हूँ। हाँ जिमिन शांत हो जाओ, अब चलो यहाँ से जिन, चलो। जियो तुम जाओ, मैं जिन के साथ आ जाऊँगा। टाय प्लीज तुम जाओ, मैं आ जाऊँगा जिन को लेकर। जिमिन तुम भी जाओ, चलो जियो भाई। जिन अब तुम मुझे शांति से बताओ, आखिर हुआ क्या था उस रात को? प्लीज, मैंने दूध में वो बेहोशी की दवा मिला दी थी, पर मुझसे हिम्मत नहीं हो पाया कि मैं वो फाइल लाऊं, पता नहीं क्यों। मुझे माफ़ कर देना टाय, सब मेरी वजह से तुम लोगों की। अरे भैया, क्यों ना हम अपनी जीत की पार्टी रखें? लीसा, पार्टी तो ठीक है, बट हमारी जीत की नहीं, उनकी हार के रखते। वाह भैया, ये तो सच में अच्छा होगा। एकवा तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ देर अकेला रहना है। और जिन पर प्लीज तुम जाओ। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, अगर जिन को फाइल ही चाहिए थी तो उसने फिर वो फाइल क्यों? ओ बेबी जंकु, क्या हम डेट में चले? हाँ बोलो। हाँ ठीक है, पर कहाँ चले? हाँ बोलो तुम जहाँ कहोगी वहीं पर लेके चलूँगा मैं तुम्हें। ओहो तो मुझे ना ऐसी जगह लेके चलो, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट हो और बहुत सुंदर जगह हो। जो भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, मैं अब यहाँ पर, मैं अब और नहीं सह सकता। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना जियो भाई, जिमिन और टाय, सारी गलती मेरी थी। हेलो जिन, कहाँ पर हो तुम? हाँ तुम अब तक आए क्यों नहीं? हेलो मैं, जिसका ये फ़ोन है उसने सुसाइड करने की कोशिश की है, वो अभी हॉस्पिटल में है। मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ, आप आकर देख लीजिए। क्या हुआ जो भाई, सब ठीक तो है ना? जिमिन जिन ने सुसाइड करने की कोशिश की है, वो अभी हॉस्पिटल में है, चलो जल्दी। क्या, कहीं ये सब मेरी वजह से तो नहीं हुआ भाई? मुझे, चलो अभी ये सब छोड़ो, हमें हॉस्पिटल में जाना चाहिए, जल्दी चलो। हेलो टाय, क्या हुआ जिमिन, सब ठीक तो है ना? जिन भैया ने सुसाइड करने की कोशिश की है, प्लीज तुम हॉस्पिटल में आ जाओ। ओह माय गॉड, कैसे? प्लीज मुझे कुछ भी नहीं पता। ओके मैं अभी आता हूँ, डोंट वरी। चेयर्स, ये हुई ना अब उनकी हार की खुशी में हमारी पार्टी। भाई आपने तो जो भी किया सही किया, अच्छा हुआ उन लोगों की जॉब चली गई, काफ़ी इतराते थे वो लोग अपनी जॉब पर। हाँ भैया प्लीज, मेरे भाई को कब बुलाओ? आप मेरे और जंगू की शादी कब कराओगे? कल तुम चारों की एंगेजमेंट कर देते, ओके? हैप्पी? वाओ, आई एम सो हैप्पी, मतलब मेरी भी शादी, शुगा हम दोनों की शादी हो। शादी नहीं है अभी, सगाई है सिर्फ। तुम्हारे भाई को फ़ोन करके बता देना और बुला देना, ठीक है? मैं उससे बात करूँगा। ओके भाई, जैसे आपकी मर्जी, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जीन है? यस, यहीं पर जीन है। प्लीज़ आप अभी मिल नहीं सकते, बिकॉज उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? इसका मतलब क्या है? देखिए, उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है, और अब ऊंचाई से गिरने की वजह से उनके सर पर भारी मात्रा में चोट लगी है, जिससे काफ़ी ब्लड निकल चुका है। प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, हम कोशिश करते हैं। व्हाट कोशिश? हाँ मतलब कोशिश का मतलब क्या है? अगर मेरे भाई को कुछ भी हो गया ना। जी हाँ भाई प्लीज़ शांत हो जाइए ना, डॉक्टर साहब प्लीज़ इन्हें समझाइए, ओके? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जिन कहाँ पर है? वो उसने सुसाइड करने की कोशिश की है टाइप, मुझे लगता है कि शायद मेरी गलती है इसमें। डोंट वरी जिमिन, सब ठीक हो जाएगा, ये उन लोगों की वजह से हुआ, सिर्फ मैं उन लोगों को इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। ये हुई ना उनकी हार की खुशी, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था ना कि अब तो बस हम लोग गए काम से, पर थैंक यू सो मच। वाओ जंगू और शुगा, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। सर जल्दी से न्यूज़ चलाइए, देखिए न्यूज़ में क्या आ रहा है।
आज की ताजा न्यूज सुनने में आ रहा है कि थाईलैंड के पुलिस ऑफिसर किम शेख जिन ने सुसाइड करने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि उनके सुसाइड करने के कारण उनकी जॉब है। डॉक्टरों के द्वारा पता चला कि उनकी हालत अभी काफी नाजुक है। हम आपको ऐसी खबरें लगातार देते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भाई क्या हो गया? जी सुसाइड कैसे कर सकते हैं? उसकी जान। भाई देखिए, जो हुआ वो ठीक ही तो है। चुप हो जाओ, आइंदा से ऐसी बात कहीं ना मेरे सामने तुम्हें तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। पता है जिन आखिरी सांसें गिन रहे हॉस्पिटल में और तुम? मुझे उसके पास जाना है। भाई सब ठीक तो है ना? प्लीज क्या हो गया? मुझे उसके पास छोड़ो, यहाँ से जाने दो मुझे। वेट भैया, हम भी आ रहे हैं आपके साथ, चलो शुगा। ये क्या था अभी? लिसा, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तुम लोग प्लीज मेरे पीछे मत आओ। मुझे पता है कि वो लोग उसके भाई वहाँ पर खड़े होंगे, मुझे अकेले जाने दो। जिनकी हालत पता नहीं कैसी होंगी तो। ए डॉक्टर, और हाँ ये भी दे दे, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आखिरी सांसें गिन रहा, समझ नहीं रहा। देखिए आपके भाई वहाँ रो रहे तो क्या करूँ? हाँ मैं यहाँ पर, मेरा सर खराब है। मुझे वो एप्पल दे, जल्दी दे, मुझे खाना है। तुझे पता है, तुझे लग रहा होगा मैं सुसाइड करने का नाटक कर रहा हूँ, बट नहीं मेरे बाप। तुझे पता है ये मीठा खा कर मैं अंदर शुगर पैदा कर रहा हूँ, जिसके कारण मुझे कुछ भी हो जाए, और ये भी तो सुसाइड है ना। वो सब ठीक है सर, बट हम बाहर क्या कहें आपके भाइयों को? यही कह देना कि आखिरी सांसें गिन रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जाओ जल्दी और मेरे लिए 4-5 एप्पल और लाना, मुझे भूख लगी है। क्यों ना इसके आने तक मैं सो जाओ थोड़ा सा। जी मुझे माफ कर दो जी, शायद ये मेरी गलती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो कुछ बोलो। मुझे पता है कि तुमने जो मेरे साथ किया वो गलत है, और जो भी हुआ वो देखो, मुझे पता है कि शायद हम ही गलत है, बट मुझे इतनी जल्दी छोड़ के मत जाओ। जी तुम्हारे साथ वो रात, हर एक रात मुझे याद है, मतलब कितनी रोमांटिक रात थी ये ना। तो तुम्हें बताए, मुझे ना तुमसे शादी करना था, मतलब और ये सारे गलत काम मैं छोड़ने वाला था, बट तुम तो सत्यवादी ठहरे और तुमने तो बस मुझे चेन उठो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ उठ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें बताया, मैंने तो अपने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे, भले ही हमारे ना हो पर गोद ले लेते ना। प्लीज़ उठो। उठने के लिए मैं तैयार हूँ, बट ये बता दो कि वो फाइल कहाँ पर रखी है तुमने। जीन तुम ठीक हो? ओह माय गॉड, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? बेट तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब तुम नाटक कर रहे हो हाँ, और झूठी अफवाह फैला रहे हो, मतलब ताकि लोग तुम्हारे लिए रोए। अच्छा रोए? और जो तुमने मेरे साथ और जो सारे लोगों के साथ किया वो क्या था हाँ बोलो। जी मुझे पता है कि शायद मैं गलत हूँ, बट मैं जो भी कर रहा हूँ गरीबों के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें पता है ये जो भी है ना, यहाँ के पुलिस ऑफिसर्स तो इनकी तो कोई काम के नहीं। पता है ये लोग खुद बेचारी गरीबों को टॉर्चर करते, और अमीर लोग जो गरीबों से पैसे हटते हैं, और जो भी उनका ये अमीर लोग गरीबों की ज़मीन छीन कर वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स खड़े करते, और इन्हीं लोगों को हम सबक सिखाते, क्या हम गलत हैं? तुम्हें पता है, जाकर उन गरीबों के पास जाओ, उनको कैसा लगता होगा, उनकी ज़मीन, बेचारे सड़कों पर रहते हैं, और ये अमीर, जितने अमीर लोग रहते ना उतने गरीब होते हैं वो लोग। तुम्हें पता है हम जो भी कर रहे हैं ना, एक तरह से वो गलत नहीं है, पर तुम लोग उसको गलत समझकर हम ही लोगों को अंदर डाल दो, है ना? ऐसी बात नहीं है, बट जो भी वो अब मैं जो तुम्हारे साथ करने वाला वो गलत है या सही, अब ये डिसाइड तुम करना। जी अब कहो कि क्या मैं गलत हूँ? नहीं मतलब जी इसका मतलब कि मैं गलत नहीं हूँ हाँ? तुम ना, मतलब मैं ये कहने वाला था, बट अब इस सब का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने हमसे हमारी वर्दी छीन ली। ओ जीन डोंट वरी, बस तुम एक बार हाँ कह दो, दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे रख दो। तुम ना, ओह क्या बात है। सर ये एप्पल आपके लिए। वेट डॉक्टर किम, ये डॉक्टर किम रोते हुए कितना बुरा लग रहा है, ये तो हंसते हुए कितना प्यारा लगता है, इस पे आंसू बिल्कुल सूट नहीं करते। जाओ क्या? नहीं इसके पास जाऊंगा
फालतू में मुझे ही ठोक डालेगा, क्योंकि अब तो इसको मेरी असलियत पता चल चुकी है। जिमी भाग यहाँ से शुगा, वरना इसका कोई भरोसा नहीं कि वो तेरा इनकाउंटर कर दे। बाकी गोली चलाने में माहिर है बंदा, पर क्या पता उल्टी गोली मुझे पे चला दे। तो चल यहाँ से शुगा, भाग जाए यहाँ से। हेलो, माय नेम इज प्रिंसेस, ओके अनारकली, आई एम सॉरी, माय नेम इज छिपकली, मेरा मतलब है कि प्रिंसेस। मैं क्या करूँ, आप रो क्यों रहे हैं, हाँ बताइए। मेरा दोस्त डोंट वरी, मैं हूँ ना, सॉरी आई एम सॉरी। क्या हुआ ये तो बताइए, मैं आपके, देखिए मुझे मुझसे दूर रहिए आप, और वैसे भी मैं लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करता। मुझे पता है, वाओ क्या सही है डॉक्टर की, आई लव यू। मैं उससे सच्चा प्यार करने लगा था, और वो मुझसे, उसने मुझसे सिर्फ टाइम पास के लिए किस किया, और मैं पागल समझ रहा था कि शायद वो मुझसे सच में प्यार कर रहा है। इसका मतलब है मेरे बारे में बात कर रहा है। और बताइए किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, वही कमीना खड़ूस कहीं का। ये मुझे तो इतनी गालियाँ देने की इच्छा हो रही है ना। देखिए जो भी होगा दिल का साफ होगा, आपने थोड़ी ना उसके दिल के अंदर झाके देखा है कि वो कैसा है, मुझे सब पता है, कैरेक्टर लेस है वो। अच्छा और जो तुमने उसके साथ किया वो क्या था? मैं तो ऐसी कह रही थी, और बताइए आगे। बैठा क्या मैं यहाँ पर बैठूं? अंकल आइए बैठिए। अब बैठा, वैसे तुम्हें हुआ क्या है ये बताओ। अंकल क्या बताओ, मेरी तो किस्मत खराब है, अच्छी खासी जॉब मिली थी, खड़ूस सड़े और कमीना किसके बारे में बात कर रहे हो बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे आजू बाजू हो सकता है वो। अंकल आई डोंट केयर, मैं उसको, मेरे पास ना पर्सनल गन है, उसको उड़ा दूंगा मैं।